मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस बीटी ब्रेन टीजर। अभी हम यूनिट वन हमने कंप्लीट कर लिए बेटा। नंबर सिस्टम दोनों इंडियन और इंटरनेशनल आप सीख चुके हो, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ब्रेन टीजर के। सो लेट्स स्टार्ट। तो टेक द क्रैक का फर्स्ट ऑप्शन है प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स। सिक्स सेकेंड प्लेस है सेकेंड ग्रुप में, दैट इज 10,000। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखिए डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ टू एंड फोर। तो टू यहाँ पे 2 लाख हो गया, लैक प्लेस पे है। फोर एट 1,000 प्लेस ऑफ 4,000, 2 लाख में से 4,000 सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा, तो देन वाट वी गेट -4,000। तो क्या मिलेगा, 1 लाख में से बेटा 4,000 करें तो 96,000 रिमेनिंग, और यानी 1,96,000। तो आंसर विल बी दिस। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे चलेंगे बेटा। प्रीडेसर, प्रीडेसर मीन्स वन स्टेप बिफोर, प्रीडेसर ऑफ दिस। तो इसका प्रीडेसर हमें पता है, यूनिट प्लेस चेंज होती है। तो बेटा लास्ट वाले उसको देख लेते हैं ग्रुप को। 600 से पहले क्या आता है, 599, बाकी सेम होना चाहिए। तो ये आंसर होना चाहिए। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे चलेंगे। तो देखिए डिजिट एट 10 मिलियन प्लेस, 10 मिलियन प्लेस थर्ड ग्रुप सेकेंड प्लेस, तो ये क्या है, 3। क्लियर है। आगे चलें। 60 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी करोड़। तो बेटा आपको सिखाया था कि जो 9 प्लेसेस के, तो दोनों सिस्टम आपने जो सीखे, लास्ट प्लेस इंडियन सिस्टम में 10 करोड़ थी और इंटरनेशनल में 100 मिलियन। 100 मिलियन यानी 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन। तो 1 करोड़ कितने के इक्वल होगा बेटा, 10 मिलियन। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो 60 मिलियन इज इक्वल टू 6 करोड़। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, 6 करोड़। सो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चले। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, ड्रा एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट शोइंग द पीरियड एंड प्लेसेस ऑफ 9 डिजिट नंबर। तो बेटा 9 डिजिट तक जो हमने इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम सीखा है, जो एग्जांपल में आपको शो किया गया था, यानी 10 करोड़ तक आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, और 100 मिलियन तक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इंटरनेशनल पूछा है, आपको इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, इंडियन सिस्टम, इंडियन के लिए यहाँ देखिए, जस्ट अ सेकेंड, इंडियन सिस्टम अप टू 10 करोड़ आपने इसी तरह से, सेम इसी तरह से बनाना है, आपके एग्जाम्पल में शो किया गया था। और ये है इंटरनेशनल 10 9 प्लेसेस का, वंस 1,000 और मिलियन। 3 3 प्लेसेस है, वंस 1,000, 1,000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100। और इसमें देखिए वंस 10 100, 1,000 10,000, फिर लाख 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़। तो ये दोनों सिस्टम आपको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में बनाने हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे देखते हैं। तो आगे चलेंगे बेटा। इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम देखा आपने। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, यू हैव टू पुट कॉमास बिटवीन द पीरियड्स सेपरेट करने के लिए, देन राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग। अब आपको इसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेटा, इंडियन सिस्टम एक इंटरनेशनल। यहाँ देखिए हमें इसके लिए 1,000 ग्रुप को देखना, वहीं से हम पहचान लेंगे। अगर 2 प्लेसेस है दैट मीन्स इंडियन सिस्टम, और 3 हैं तो इंटरनेशनल। सो लेट्स रीड द नंबर नेम। तो बेटा ये 2 प्लेसेस होने के लिए इंडियन के अकॉर्डिंग करेंगे, तो थर्ड पीरियड उसमें लैक होता है, सेकेंड 1,000, फर्स्ट वंस। सो 35 लाख, कोमा की प्लेस पे हमने लैक यूज़ किया, 68,043। बी में देखिए सेकेंड ग्रुप 1,000 ग्रुप जो है 3 प्लेसेस का, इट मीन्स ये इंटरनेशनल सिस्टम है, मिलियन 1,000 वंस। अब लेट्स रीड, 29,568,194। तो इस तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसी तरह थर्ड जो सेकेंड पीरियड है 3 प्लेसेस का, इट मीन्स इंटरनेशनल, मिलियन 1,000 और वंस, 104 मिलियन। नाउ मिलियन पीरियड था, देन 1,000,
600, 1843. नेक्स्ट देखिए, डी में टू टू प्लेसेस हैं, इट मीन्स इंडियन है. 28 करोड़, लाख में जीरो है तो नहीं, इसको रीड नहीं करेंगे. 16,493, आई थिंक इट इज़ क्लियर. आगे देखिए, 1000 ग्रुप थ्री प्लेसेस का, इट मीन्स ये इंटरनेशनल है. मिलियन, 3,084,001. नेक्स्ट देखिए, अगेन थ्री प्लेसेस का 1000, तो 9,001,348. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे देखते हैं फिलहाल. वन मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स? तो बेटा इसके लिए हम नंबर भी लिख सकते हैं पता लगाने के लिए. थ्री थ्री प्लेसेस का बना लेते हैं ग्रुप और उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे. अब ये हमें हमें पता है 1000, देन 10,000 और देन लैक. जहाँ पे 1 लैक आता है और यहाँ पे 100,000 होता है. यहाँ जो मिलियन है, अब कितने मिलियन हो गया बेटा? 1000 के बाद आता है मिलियन, तो यहाँ से क्लियर है कि कितने लाख के इक्वल होता है. 1 मिलियन, मिलियन 1 मिलियन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1 लगा लेते हैं, तो ये हो गया इसके 10 लाख के इक्वल. लाख 10 लाख, वहाँ पे जहाँ मिलियन आ रहा है वहाँ पे 10 लाख, इट मीन्स 10 लाख के इक्वल है. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये हाइड हो रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. तो देखिए बेटा, नेक्स्ट है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी थाउजेंड? तो थाउजेंड कितने थाउजेंड के इक्वल होगा बेटा? आपको पता है जहाँ लाख आता है इंडियन सिस्टम में, वहीं पर इंटरनेशनल में क्या आता है? 100,000. तो 1 लाख इज इक्वल टू 100,000. आगे देखते हैं बेटा, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियंस? हमें पता है जहाँ पर 10 करोड़ उसकी लास्ट प्लेस है, अगर इंटरनेशनल की साइड में लिख लेती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. 10 करोड़ जहाँ आता है वहाँ पर इंटरनेशनल में 100 मिलियन होता है. तो यानी 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन और 1 करोड़, 10 कम कर दें तो 10 मिलियन. सो इट विल बी इक्वल टू 10 मिलियन. और 100 मिलियन अभी बताया था 10 करोड़ के इक्वल है. सभी को क्लियर है? आगे चलें. आगे देखिए बेटा, टेबल कंप्लीट करनी है. मिक्स गिवन है, तो फर्स्ट तो आपको कर रखा है, टू प्लेसेस का था तो ये इंडियन सिस्टम था. सेकंड प्लेस 10,000 और 8 at 10,000 प्लेस 80,000 हो गया. 8 10. अब देखिए, ये भी सेकंड जो पीरियड है टू प्लेसेस का, इट मीन्स ये भी इंडियन है. 6 in 3rd पीरियड मीन्स लैक, और सेकंड प्लेस ऑफ लैक प्लेस पीरियड 10 लाख, और 6 at 10 लाख प्लेस विल बी 6 10, यानी 60 लाख. अब थर्ड सी पार्ट में आते हैं, 8 in 2nd पीरियड, और सेकंड पीरियड थ्री प्लेसेस का है तो इट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम है. 1000 पीरियड हो गया. थर्ड पीरियड ऑफ 1000, थर्ड प्लेस ऑफ 1000 पीरियड विल बी 100,000, और 8 at 100,000 प्लेस विल बी 800,000. क्लियर है? कंप्लीट लिख लेना बेटा, 800,000, जैसे भी लिखते हैं ऐसे, तो इस तरह से पूरा लिख लेना. नेक्स्ट चलेंगे, क्लियर कर देते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी सेकंड पीरियड जो थ्री प्लेसेस का, इट मीन्स इंटरनेशनल है, और हमें 9 के पीरियड प्लेस बताना है. 9 थर्ड पीरियड यानी मिलियन में है. सेकंड प्लेस ऑफ मिलियन 10 मिलियन, और 9 at 10 मिलियन प्लेस विल बी 90 मिलियन. कंप्लीट लिख देना आप, दोनों फॉर्म लिख देना. नेक्स्ट देखिए, 7 in 4th ग्रुप और टू प्लेसेस का है 1000 ग्रुप, इट मीन्स इंडियन है. करोड़ हो गया, और फर्स्ट प्लेस करोड़, 7 करोड़. आई थिंक इट इज़ क्लियर. सो लेट्स सी फर्दर. आगे देख लें.
इधर देखिए बेटा, 7 का हो गया, 2 का देखते हैं। यहाँ पे फिर से 2 2 प्लेसेस का है, तो इट मीन्स इंडियन सिस्टम है, फोर्थ ग्रुप करोड़, 2 करोड़, करोड़ हो गया, और सेकंड प्लेस विल बी 10 करोड़। तो आगे चलें, 10 करोड़ के बाद इसका 2 एट 10 करोड़ प्लेस विल 210 करोड़, यानी 20 करोड़। क्लियर है? आगे चलते हैं। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, फॉर्म द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग दिस डिजिट। तो इनको यूज़ करके बनाना बेटा। जीरो को हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं लगा सकते, आपको पता है क्यों? क्योंकि जीरो की फर्स्ट प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, हम सेकंड प्लेस पे जीरो यूज़ कर सकते हैं। तो 1 पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद वो स्मॉलर है, तो 1 0 देन 4 देन 5 7 8 9, 3 3 6 7 हुई है। 1 डिजिट लेफ्ट है, कौन सी रह गई चेक कर लेते हैं। 1 0 2, तो हमने लिख दी। अब इसको एक बार इंडियन सिस्टम में इसका नंबर नेम देख लेते हैं, तो क्या होगा बेटा? इंडियन के अकॉर्डिंग फोर्थ ग्रुप, तो डिजिट्स हैं 3 2 5 2 7 8, 1 करोड़ करोड़, देन 2,45,789। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं बेटा। इरेज हो गया, 2 4 5, 3 प्लेसेस के बाद कॉमा, तो उसके अकॉर्डिंग सिस्टम भी उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। थर्ड पीरियड मिलियन, सेकंड थाउजेंड, फर्स्ट वंस, तो 10,245,789। तो लास्ट में आपको लिखने का तरीका भी सिखा देंगे। तो सबसे पहले उसको नेक्स्ट देख लेते हैं, समझ लेते हैं तब तक। एट्थ में देखिए, वन मोर, यानी सक्सेसर मींस वन, सक्सेस मिलने के बाद हम वन स्टेप आगे जाते हैं। तो बेटा बड़ा इजी है, काउंटिंग को सोचना आपने। 959 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 960, तो बाकी सेम रहेगा, यानी 4 8 3 6 9 6 0, इस तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें देखिए 999 है, तो उसके बाद क्या आता है? 1000, यानी 0 0 हो जाती है 99 की प्लेस पे, लास्ट वाले 9 की जगह पे 10, तो वही करेंगे हम। ये आ गया इस तरह से, ये होगा, यानी 9,99,99,999 के 9 के बाद 10 करोड़। आगे देखिए, यहाँ 999 है, तो वही 1000, 9 की प्लेस पे, लास्ट वाले 9 की प्लेस पे क्या आ जाता है? 10 आ जाता है। सारे 9 की प्लेस पे 0, लास्ट वाले की जगह पे 10, तो क्योंकि ये बीच में है तो उसका कैरी चला जाता है। तो आपको दिख रहा है 9 की प्लेस 0, 9 की प्लेस पे 10 आ गया, बाकी 0 यही रहेगा। 9,999 के बाद क्या आता है? 10,000, तो वही हो गया लास्ट का, बाकी सेम। आगे चलेंगे, आप 1 प्लस करके ऐड करके भी देख सकते हैं इसको, तो भी आंसर सेम आएगा। सब में 1 प्लस करके देख लें तो आंसर सेम रहेगा जो आपको बताया था। नेक्स्ट चलते हैं, प्री डेसर, प्री पहले, पर से पहले, 1 लेस, यानी 1 लेस कर दो, या तो एक पहले सोच लो काउंटिंग में। 43,000 से पहले क्या आता है बेटा काउंटिंग में? 42,999, बाकी सेम 56 लाख। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, इससे 1 बिफोर, तो आंसर क्या होगा? ये इससे, यानी ये 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट है, तो 1 कम होके क्या हो जाएगा? 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सॉरी मार्कर यूज़ हो गया, तो देख लेते हैं। यहाँ पर 10,000 है, तो वही वाला केस हो जाएगा, इससे 1 कम करके ये हो जाएगा, तो बाकी सेम। प्लेस हमें सारी यूज़ करनी है, तो 84, 10 की प्लेस पे 09 लिखेंगे, 2 प्लेसेस यूज़ करने के लिए, तो 999, 10,000 की जगह 9,999, प्लेसेस चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द सम, बड़ा कर लेती हूँ बेटा, दिख नहीं रहा है, तो फाइंड द सम किसका? फाइंड द सम ऑफ 2 5s इन 35 करोड़ 46,52,6983। तो क्या होना चाहिए सम बेटा? तो उसके लिए देखिए,
आपके पास एक तो तरीका ये है, फाइव जो फाइव हैं जिनका सम पता करना है उनको छोड़ के बाकी को जीरो कर दो तो सेम आएगा, या फिर दोनों फाइव के अलग अलग प्लेस वैल्यू लिख के उन्हें ऐड कर दो। तो ये तरीका है, चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए बेटा, आपका सबसे पहले हमने उसको सेवन्थ क्वेश्चन को कैसे करना था, हमने क्या किया, 8 डिजिट से नंबर बनाया, फिर उसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा के सेपरेट किया और उसका नेम लिख दिया उसके सामने। सेम इसी तरीके से फिर हमने क्या किया, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जैसे हमने किया था कॉमाज लगा के सेपरेट करके नेम लिख दिया, 10,245,789, और इंडियन में 1,02,45,789। तो क्लियर है। एट्थ का आपको वन मोर, आपका 959 तो लास्ट में 960 हो गया था, इधर क्या हो गया था, 9,99,99,999 के बाद 10 करोड़ आता है, और इधर देखिए ये था 56,09,999 था, उसके बाद क्या आता है, 56,10,000 आएगा ऑब्वियस अकाउंटिंग में। काउंटिंग सोचनी बेटा। अब इसमें चलिए, आपने वन बिफोर यहाँ पे 43,000 था इसके, तो इससे एक पहले क्या आएगा, 42,999, बाकी सेम। इसमें क्या था, ये नंबर गिवन था, इससे वन बिफोर तो ये आएगा। यस, तो नेक्स्ट देखिए, 56,000 सॉरी, आपको 10,000 गिवन था यहाँ पे, जैसे कि पहले वाले में आप देख सकते हैं, 10,000 से पहले क्या आता है, 9,999। तो डिजिट सेम रहने चाहिए, 9, क्योंकि 10 के लिए 2 प्लेसेस को कवर करना, तो 09 लिख दिया, बाकी सेम है। माइनस करके आप देख सकते हैं 1। आगे देखिए, जैसा कि मैंने आपको दो वो सजेस्ट किए थे, तो पहले आपने फाइव की प्लेस वैल्यू लिख ली, दूसरे वाले फाइव की लिख दी, वो फाइव 10,000 पे तो 50 हो गई, और 5 करोड़ 5 करोड़, ठीक है, तो क्या आ गया, 5,50,000, आई थिंक इट इज़ क्लियर। और दूसरा आप ये भी कर सकते थे, बाकी को आप देख सकते हैं आंसर वही आया है, बाकी को अगर जीरो कर दे, फाइव फाइव को छोड़ दे, तो वही आंसर आएगा। मुझे लगता है सबको क्लियर है, तो आज आप ये कर